राम ईश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नियमानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय विद्यौर के छात्रों के लिए विद्यौर के छात्रों के शास्त्री प्रथम खंड उपशास्त्री द्वितीय खंड एवं अन्य छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रत्याहार सूत्र निर्माण के लिखना प्रत्याहार निर्माण सूत्रम ब्रिक विशद व्याख्या प्रत्याहार विषयक सूत्र आदरण संहिता आदरण तीन सहित अंत्येनेता सहित आदिर मध्य गाणां स्वस्य संज्ञा सह अंत इत सहित जो आद एवं मध्य पाती वर्ण उसका संज्ञा होता यथा अन अच हल अल इत्यादि इत्यादि प्रकार है। अण में है अय उनका आकार अय उनका आकार उसी कारण आकार अण प्रत्याह अट है अय उनका आकार है वरट का टकार अच है अय उनका आकार औच का चकार एवं इसका मध्यपाती और जो बीच का वर्ण है उसका भी होता इसी तरह 42 प्रत्याहार है अय उनमें होता है अ ई उ अंतिम वर्ण हुआ ण आदि वर्ण हुआ अ एवं मध्य में हुआ ई उ इनका भी बोध होता है इसी तरह आक प्रत्याहार में कहेंगे अंतिम वर्ण है क अंत वर्ण हुआ क आदि वर्ण हुआ अ मध्य हुआ ई उ री री इस तरह का जो मध्य है इसको आदरणते से ताजे ही इसका नियम बन जाता है शुप तिंग भी प्रत्याहार है प्रत्याहार के प्रत्याहरती वर्णा संक्षिप कथंते जी न जो प्रत्याहार बहुत से वर्ण हैं उसको जो संक्षेप में बतावे उसे ही प्रत्याहार कहते छात्रों के लिए भी बहुत आवश्यक अब अ ई उ री ऋ ऐसा गिनेंगे एक के बार कह देते अल अट इससे ज्ञान हो जाता है बहुत से वर्ण संक्षेप होता उसे प्रत्याहरी वर्ण संक्षेप इसी तरह का और को भी समझ लेना चाहिए शुभ को कहते हैं शु ओ जस ओम ओट सस टाभ्याम भिष ये भ्याम भस घस भ्याम भस घस ओ घस ये भ्याम भस घस भ्याम भस घस ओ साम गी ओ शुभ इतना बोलना पड़ेगा एक बार कहते हैं शुभंत शुभ प्रत्याहार हो अंत में जिसको कहलाता है सुबंध की कहले से हो जाता है उसी तरह कहते हैं तिंगंत तिंग 18 है तीप तस जी सीप थस त मि बस मस त आताम ज थास आताम दंग ईट बह मह इतने 18 प्रत्यय ये हुआ तिंग तिंग हो अंत में जिसको उसको तिंगंत कहते हैं जैसे भद भवता वंद भवज भवत भवत वाम भाव वर्तसी व्यर्थी थी वर्तनती वर्तते वर्ति वर्तसी वर्थी थी वर्तते वर्ति वर्ता इस तरह का तो आता हमसे कात्मनेपदी में होता है उसी तरह यहाँ भी हुआ अब कहता है छठो शास्त्र है कौन कौन छठो शास्त्र है शिक्षा व्याकरण ज्योतिष साहित्य छंद इसमें कहता है व्याकरण षड शास्त्रीषु व्याकरण से स्थानम
विमुख्यम। संस्कृत कहता है व्याकरण शब्द का, तो वेदांगिक सुव्याकरण स्थान वेदांग में और छव शास्त्र में व्याकरण का स्थान है। तो व्याक्रियंते व्युत्पादंते शब्दानेनिति व्याकरण, व्याकरणम व्याकरणम बिना वाणी विशुद्धाम न होती, व्याकरण के बिना वाणी शुद्ध नहीं होता। भाषा रूपा मता हस्तनी बिना व्याकरणम, व्याकरण अंकुशम सुष्ठु पथगामनी न होती। विशिष्टतया संस्कृत भाषी प्राचीनतमा संस्कृत भाषा आसीदी यंग पुरा भारतीयानाम लोकप्रिय जनभाषा यथा अभिज्ञाते। रामायण महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों धरणे नैक विश्व विद्वत जनोक्तिभिश्च प्राचीन काले न केवलम भारतवर्षे एवं अपितु भारताद् बहिरपि भिन्न देशेषु व्याकरणस्य अध्ययनम आवश्यकम वर्तते। व्याकरण शब्दस्य निर्माणम बी आंग पूर्वक क्रीधास्य, बी आंग पूर्वक क्रीधास्य करने लुट लुट में लु को अन यु बचा यु को अन हुआ, व्याकरण गुण कर देंगे बी जन करेंगे तो व्याकरण हुआ। अब व्याकरणम अधीते वेदवा तद्धीते तद वेद से अनुपत्ति होता, आदि को वृद्धि कर देते हैं तो वही व्याकरण बनता है। व्याकरणम इस तरह व्याकरण है, व्याकरण के जानकार के बिना कोई भी शब्द की जान पढ़ने शास्त्र जो है षटशास्त्र उसको पढ़ने में व्याकरण की जानकारी है। उच्चारण उच्चारण शब्द रूप धातु रूप ज्ञान प्रकृति लिंग हैं कारक इस सब का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए इसीलिए व्याकरण की आवश्यकता है। व्याकरण में सबसे पहला है उच्चारण, किसका कैसे उच्चारण होता है, उसके बाद उच्चारण के बाद है स्वर्ण संज्ञा उच्चारण करेंगे हैं, तो उच्चारण के लिए उच्चारण है कंठ तालु इत्यादि उच्चारण है। उच्चारण के बाद प्रयत्न भी है, प्रयत्न का भी ज्ञान आवश्यक है। उच्चारण है हर्ष दीर्घ प्लुत का भी ज्ञान है, उदात अनुदात स्वरित का भी ज्ञान होना चाहिए। हर्ष अर्धमात्रा लाघवीन हर्ष अर्धमात्र हैं, दीर्घ में होता है हर्ष को हर्ष से दुगुना कहते हैं, उच्चारण करने से दीर्घ होता है हर्ष दीर्घ प्लुत हर्ष दीर्घ प्लुत ऊ कालो अध्यस्व अधिक प्लुता है ना। उच्च 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 वह बांग काल इव कालो जैसे सोच क्रमाद हर्ष देवी ऊ ऊ ऊ पहला है हर्ष दूसरा है दीर्घ तीसरा है प्लुत। ऐसा जो उच्चारण काल है जिस अच क्रमशः जिसका क्रमशः जिस अच को क्रमशः तीन बार उच्चारण करते हैं तो हर्ष दीर्घ प्लुत तीनों का उच्चारण हो जाता है। इसीलिए ऊ कह पाए उकालो झरस दीर्घ प्लुता का निर्माण किया, इससे हो जाता है। हे राम हे रामा हे राम
हे कृष्ण इस तरह का है, इस तरह में काम चल जाता है। उदात अनुदात उच्चैर उदात निच्चैर अनुदात समाहरस्वरत, इस तरह का है। इस तीनों का ज्ञान उदात अनुदात स्वरित, हर्ष दीर्घ के बाद उदात अनुदात का भी ज्ञान चाहिए। हैं उदात क्या है, हर्ष उदात अनुदात स्वरित दीर्घ उदात दीर्घ अनुदात दीर्घ उदात पुरुष अनुदात पुरुष स्वरित, इस तरह का नौ हो जाता है तीनों के। अब संज्ञा प्रकरण में हम लक्ष्मी का तीसरा बार शुरू कर रहे हैं, इसलिए अब यही देख लेना है क्या क्या। अब क्षण संज्ञा सूत्र सब का भी वर्णन करेंगे आगे।